किसी ने कहा अनारकली तो किसी ने कहा कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। नाम है इस अभिनेत्री का बीना राय। मासूम बच्चों के मुंह से रोटी छीनते हो, औरतों और बूढ़ों को अपनी ताकत का जोर दिखाते हो, क्या यही तुम्हारे और तुम्हारे बादशाह जंगूरा की बहादुरी है? बीना राय का जन्म हुआ 13 जुलाई सन 1931 में। अनारकली और ताजमहल जैसी यादगार फिल्मों में इन्होंने काम किया और फिल्म घूंघट के लिए तो इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। आप मुझसे नफरत कीजिए, मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। मैं प्यार नहीं मांगती, खुशी नहीं मांगती, पर सेवा करना तो मेरा हक है, सिर्फ ये हक मांगती हूँ, इसे मुझसे मत छीनिए। दरअसल बीना राय की शुरुआत हुई थी लाहौर से ही ताल्लुक रखती थीं। इनका नाम था कृष्णा सरीन, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आके हो गया बीना राय। बीना राय दरअसल इजाबेल थॉबन कॉलेज ऑफ लखनऊ में पढ़ाई कर रही थीं। उसी वक्त एक एडवर्टाइजमेंट आया, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर किशोर साहू ने अपनी फिल्म काली घटा के लिए एक नई हीरोइन की डिमांड रखी। बिना किसी को बताए बीना राय ने अप्लाई कर दिया। इनके पिता रेलवेज में थे और उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। एड में अप्लाई तो कर दिया था इन्होंने, पर जाना था इन्हें बम्बई। बम्बई ये जा नहीं सकती थी क्योंकि इनके इंटरमीडिएट के एग्जाम थे। इत्तफाकन एक कजन की शादी निकली बम्बई में और अपने परिवार के साथ ये पहुंच गई बम्बई। ऑडिशन दिया और ऑडिशन देते ही ये कामयाब हो गई। कामयाबी क्या छुई इन्होंने कि मिल गए इन्हें 25,000 रुपए। 25,000 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। आज मिले हैं मोरे सावरिया, आज मिले हैं मोरे सावरिया मोरे, छम छम बाजे पायलिया मोरे, छम छम बाजे पायलिया। बीना राय शुरू से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी और 25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति फिल्म की फीस हुई इनकी। इन्होंने अपने परिवार से कभी नहीं कहा था कि ये अभिनेत्री बनना चाहती हैं, और जब इनके माता पिता को पता चला तो बड़ी मुखालफत हुई, लेकिन इन्होंने भी भूख हड़ताल कर डाली। माँ बाप को मानना ही पड़ा और किशोर साहू की फिल्म में इन्हें मौका मिला और इस तरह से कृष्णा सरीन हो गई बीना राय। क्या गलत है क्या ठीक है ये मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना पूछती हूँ मेरा दोष क्या है जिसके लिए मुझसे इतनी नफरत करते। एक बात और गौर करने लायक है, वो ये तारीख 13 जुलाई इनकी जिंदगी में एक खास महत्व रखती है। इन्होंने जो अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो भी 13 जुलाई सन 1950 में ही किया था। इनकी एंगेजमेंट हुई वो भी 13 जुलाई को ही। हालांकि इनके पति प्रेमनाथ, जो कि खुद एक बड़े जबरदस्त एक्टर रहे, वो उस वक्त मधुबाला जी से प्यार करते थे। बात शादी तक पहुंच भी गई थी, लेकिन चूंकि ये अलग अलग परिवारों से अलग अलग परवरिश से आ रहे थे, इसलिए इन दोनों की शादी ना हो पाई। उन्होंने मुझ पे तरस खाकर मुझसे शादी की है, पर प्यार किसी और से करते सरोज, मैं उनके प्यार के रास्ते में आ गई, मैं क्या करूं सरोज, नहीं भाभी। लेकिन बीना राय के साथ किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। बीना राय और प्रेमनाथ मिले, एक नया रोमांस शुरू हुआ और बस इन दोनों की शादी हो गई। इसी बीच इनके बच्चे हुए। ऐसा लग रहा था कि बीना राय अब फिल्मों से दूर हो जाएंगी, पर वो हुआ नहीं। वो फिल्मों में काम तो करती रही, पर धीरे धीरे प्रेमनाथ अपने करियर में बहुत बिजी हो गए। अब बीना राय का करियर थोड़ा सा धीमे चल रहा था, लिहाजा बीना राय ने फैसला किया कि अब वो घर पे रहकर बच्चों को संभालेंगी। अगर भालू से तुम्हारी यही शिकायत है और इसीलिए तुम उसका खून करना चाहते हो, तो मेरा खून करो मंगल, मेरा खून करो। दुर्गा। हाँ, भानु को दोष क्यों देते हो? प्यार मैंने किया है, अगर प्यार की कोई सजा है तो मुझे दो मंगल। हालांकि बतौर प्रोड्यूसर्स भी मियां बीवी ने बड़ी कोशिश की एक अलग किस्म का सिनेमा बनाए, पर वो कोशिश बड़ी नाकामयाब साबित हुई। इनके बड़े बेटे प्रेम कृष्ण एक एक्टर बने, फिल्म दुल्हन रही जो पिया मन भाई में ये नजर आए थे। उसके बाद वो प्रोड्यूसर बने और कुछ टीवी सीरियल्स उन्होंने प्रोड्यूस किए। इनकी पोती आकांक्षा मल्होत्रा को लॉन्च किया गया था सन 2002 में बतौर एक्ट्रेस। बीना राय के पोते सिद्धार्थ मल्होत्रा आगे जाकर एक डायरेक्टर बने और उन्होंने टीवी सीरीज डायरेक्ट की जिसका नाम रखा संजीवनी। बीना राय का करियर बड़ा जबरदस्त रहा, फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रहीं। और प्रेमनाथ के साथ इनकी शादी बहुत से उतार चढ़ावों से घिरी रही, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी, तुम्हारी ढाल बनकर तुम पर होने वाले हर वार को मैं रोकूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो भानु। इनके पति का देहांत हो गया 3 नवंबर सन 1992 में। उसके बाद बीना राय बहुत अकेली हो गई और फिर 6 दिसंबर सन 2009 वो तारीख बन के सामने आई जब दिल का दौरा पड़ने की वजह से बीना राय का निधन हो गया। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में बीना राय का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।